मैंने कहा ना पेज भी बंद करवाना खुद को पढ़ाओ दे उसको कैसे बताया इसको हमारा पता है जब पिछले तक साल से पास तक तबाह बर्बाद कर रहे थे किसी लगा हेलो हेलो डे वेलकम बैक सो टुडे वी आर गोइंग फॉर कहाँ जा रहे हैं पैकेजेस विद द रेस्ट ऑफ द टीम विच इज वेस्ट इंडीज ए एंड थाईलैंड एंड नाउ वी गोना गो फॉर शॉपिंग आई गेस दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू सो लेट्स टेक यू ऑन अ ट्रिप विद ऑल द अदर गर्ल्स हम लोग निकले हैं जेल से आफ्टर 15 या 14 डेज और हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग अपने ही मॉल में इतना फिर हम जैसे दुबई फिर सर ये बिल्कुल सही बात कर रही है 100% यार मुझे तो 4 दिन हुए यहाँ पे आए लेकिन ये बेचारे यहाँ पे 1 महीना हो गया इनको यहाँ पे फंसे हुए यार कुछ मजेदार नहीं है यहाँ पे ये प्लेन शर्ट जो आपको बाजार में 200-300 रुपए की मिल जाती थी देखिए यहाँ पे कितने की लगी है मैं देखा था सॉरी तो देखिए 2000 लगी है मतलब ये हमारे आर्मी के थैंक्स टू आर्मी ये जो कबाड़ा हो गया जो बेड़ा गर्क हो गया आर्मी के मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद आर्मी पाइंदाबाद मैंने कहना था पेज भी बंद करवाना खुद को पढ़ाओ दे ये तो पाकिस्तान का सास है इसको जाया करने वो फौरन ये कहेंगे कि जो लड़की बैठी हुई अपना ब्लू शर्ट में है ये पाकिस्तान का सास है इसको सबसे पहले जाया करना है ये पाकिस्तान का काबिल है उसको कैसे बताया इसको हमारा पता है जब पिछले तक साल से पास तक तबाह बर्बाद कर रहे थे किसे लगा रहे ये देखो रणवीर सिंह टाइप रणवीर सिंह हाँ यार उसने पहले उसने रानी रोकी रानी में ना अपनी सारी जो पैथेटिक उस ड्रेसिंग सेंस है ना उसको पसंद है जो चीज़ें सारी पूरी करती उसने ये भी ये वाला भी हाँ यार बस हमारा आगे की सीन है आज का हम यहीं पे अखबार होंगे ये मुझे सीधे कोई ज़ारा याद आ रही है याद आ रही पर्पल हाँ इसका फेवरेट कलर है ये ज़ारा को हमने कहा था कि आ जाए ये तो मेरा भी है वो आ नहीं सकी बताओ भाई ज़ारा कौन है ज़ारा असल में एक लड़की है पिंडी से पिंडी के एक कस्बा से है और वो बहुत स्ट्रगल करके बहुत मेहनत करके बस पर चढ़ के मोटरवे की है ऊपर ज़बरदस्ती बगैर किराए के लाहौर तक पहुंची यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली उन्होंने फिर उन्होंने फिर फुटबॉल खेला और पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेला उन्होंने फिर पाकिस्तान उसमें खिदमत कनेड के इंटरवर्सिटी के लिए उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी आला तालीम हासिल की कनेड कॉलेज से और आला तालीम हासिल करके आज वो के लिए ग्राउंड बैठी होती है शाम तक क्या होना चाहिए पानी पहला बाइट लेने लगे हम लोग इस बर्गर का वैसे मैंने ट्राई काफी मिनटों का है बहुत पहले क्या सॉस तो बहुत मजे की है कहाँ से लेके इसमें
अभी मैथ्यूज आए तो उसने साइंस लिया है, उसने अपना हेलमेट ठीक किया तो उसका स्टेप टूट गया, तो शाकिब ऑलवेज गंदा है तो गंदी से उसने उसको आउट मांगा तो हम पहले उसको आउट दे दिए, तो उसने इतना गंदा आउट दिया कि हमारा दिल खराब हो गया। उसके बाद हमने अपना खाना पैक करा लिया, पैक करा लिया, जब हमारा खाना नीचे नहीं जा रहा था एज अ प्लेयर की क्या घटिया करके शाकिब ने और अंपायर्स ने साथ दिए हैं। और इस बार मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा गंद हो रहे हैं। तो यार हम लोगों ने बाहर इसलिए नहीं खाया क्योंकि बाहर सारा इसराइली फूड है, मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवे, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए, आई एम नॉट श्योर कि ये भी इसराइल का तो नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ये भी उसका है कि नहीं, तो बेसिकली हम लोगों ने फ़िलिस्तीन के लिए स्टाइल लिया थोड़ा सा, जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो हमारे बस में था इतने सब शक्तियों के बावजूद थैंक्स टू आर्मी मैंने बंद करवाना चाहिए, तो हमने बॉयकॉट किया है KFC, मैकडोनल्ड्स, किटकैट और पेप्सी और कोक और ये फ्लाफी अपना जो अवॉइड कर सकते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ आए, हमने रिस्क लिया, हमने कभी यहाँ पर खाना नहीं खाया, यहाँ पर किस तरह खाना है किस तरह नहीं है, तो उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, और अगर ये जितना भी बिल बनता है कोई 7-8 हज़ार रुपये, हमने कहा ख़राब भी होते तो हो जाए, लेकिन हमने फ़िलिस्तीन के साथ देना है और हमने दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था और हमने खाया और मज़ा आया और पेट भी भर गया, और हमने उसके अलावा इसको पैक भी करवा लिया, क्वान्टिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। और आप लोगों को भी रिकमेंडेड, अगर आप लोगों ने, अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा तो आप लोग यहाँ पे आए, इसको खाएं, एंजॉय करें और बायकॉट कर दें कम्प्लीटली इसराइल का। चले आगे से ये भी उस साल गई हो ये आपको मैं, अगर इसराइल का हुआ ये तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फैलाएं, स्प्रेड फैला दें, इसको उड़ा दें, सब जगह फैला दें, आर्मी तक पहुँच जाए बात। मैं चल रही थी इधर, दिखाई इसका क्या सीन होता है। अच्छा भाई मुझे कौन बता सकता है इसके ऊपर क्या टाइम है? आई नो इट्स वेरी हार्ड। ये जो बरीक वाली आपको नजर आ रही है ना, ये है घंटे की सुई और ये मिनट्स की, और ये रही मिनट्स की सुई। हाँ। तो इस टाइम टाइम जो हो रहा है ना वो नहीं ऐसे रही, हाँ इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:15 हो रहे हैं। हाँ सही कह रही है। तो यार हम लोग अब सुबह से बोल रहे हैं आप? यस, और बस अब हमारे जाने का टाइम हो गया है 45 मिनट्स में। हम बैठने की कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन मजाल है जो यहाँ कुछ बैठने का सीन हो, तो हम कोई भी नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठेंगे। Yes. और मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि हम लोग कोई कॉफी शॉपी पी लेंगे, क्योंकि और ये सोच रही हूँ छलांग मार लें, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए कुछ करने का नहीं यार, छलांग मार लेनी नमक घड़ी, ये वही वाली है जहाँ पे तुमने कहा था इसके अंदर सिक्के टाइप से, सिक्के वाले सेल, अबे बोले ये कौन से सेल होते हैं सिक्के वाले? वो बड़ा सेल, वो चपटे, हाँ बड़ा वाला सेल। अच्छा चलो यार, वैसे तो हम उन लोगों की टीम को करवाने लाए थे शॉपिंग, साथ में हम भी बस पिस गए। वो ले लेते पॉपकॉर्न, ये वाले नीचे बैठने की जगह ये वहाँ चल के बैठ, समझे यार ये वेस्टर्नीज वाली है, इन्होंने काफी शॉपिंग की है, काफी इन्होंने बैग पकड़े हैं हाथों में, वो देखिए अब वो थक गए हैं तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। यहाँ पे खाने को वैसे तो इसराइल के सारे मौसमी है, ये लोग बस वहाँ का खा खा के शायद देसी टाइप खा खा के थक गए होंगे, तो अब ये लोग शायद वैसे NCA में क्या मिलता होगा, NCA का खाना बहुत अच्छा होता है। Finally, we're back and it's been a great day. We kind of had fun. I pretty much did my own stuff, which is eating food and having fun with friends. This will be the end of my vlog for today and I'm going to see you in the next vlog. So for now, please like and subscribe and share as well, and you can comment.